मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं, लोगों को सपने आते हैं, सर सपने में ये देखा, सपने में वो देखा। तो मैं किताब का अध्ययन कर रहा हूँ, स्वप्न फल ज्योतिषी, सपनों के क्या फल होते हैं। सपने सदियों से लोगों को आते रहते हैं, पशु पक्षियों को भी सपने आते हैं, प्राचीन समय में भी सपने आते हैं। आप देखो रामचरितमानस में भी उल्लेख है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका तासे भई कबहू भई बेटा। त्रिजटा नाम की राक्षसी को एक सपना आ गया था कि एक राजकुमार आकर लंका का विध्वंस कर रहा है, विभीषण का राज्याभिषेक हो रहा है, और उसने सीता जी को ये सपना बता दिया था। सपने हमेशा सच होते हैं, सपनों पर बहुत सारे विश्लेषण ऑलरेडी हो चुके हैं। अब आप सपने हमेशा सच होते हैं तो कौन से सपने हमेशा सच होते हैं? जो रिपीटेडली हमें दिखाई देते हैं और जो चौथे प्रहर में दिखाई देते हैं। यानी पहले प्रहर में जो दिखाई सपने देते हैं, हमारी नींद के चार हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में जो सपने दिखाई देते हैं वो हमें याद ही नहीं रहते, दूसरे हिस्से में जो सपने दिखाई देते हैं वो हमें थोड़े बहुत याद रहते हैं, तीसरे में इसी तरह से जो चौथे में दिखाई देते हैं वो हमें याद रह जाते हैं। सपनों पर बड़ी रिसर्च करी गई, बड़ी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे विश्लेषण किए, लेकिन सटीक इसके कोई रिजल्ट्स नहीं बता पाए कि कौन सा सपना क्यों आता है और इससे क्या रिजल्ट मिलता है। सपनों पर मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो मैं आपको मोटे तौर पर बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता है, नहीं तो फिर वीडियो न जाने कितना लंबा बन जाएगा। बहुत सारी रिसर्चेज हैं, बहुत सारे लोगों के मैं नाम बता सकता हूँ, उन्होंने क्या सपना देखा तो क्या हुआ, है ना। बहुत सारे इसमें रिसर्चेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, गूगल करके आप पढ़ सकते हो। मैं कुछ मोटी मोटी बातें बताऊँगा, अगर इस तरह का सपना आया तो उसका रिजल्ट क्या होता है। वो ज़रूरी है कि ये 100% सही ही हो, लेकिन काफ़ी हद तक सही होता है। तो मैं शुभ शुभ बातों की चर्चा करके अपना वीडियो शुरू करूंगा और सपनों पर बहुत सारे वीडियो बनाता रहूंगा कि कौन सा सपना देखा तो उससे क्या होता है, इससे आपको बड़ी मदद मिलेगी। तो अच्छी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। तो अगर सपने में हमें कछुआ दिखाई देता है, कछुआ टॉर्टराइज, तो क्या होता है, सौभाग्य का सूचक माना जाता है। अगर किसी बिजनेसमैन को कछुआ दिखाई देता है तैरता हुआ, तो क्या होता है, विदेश यात्रा का योग बनता है और बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। तो अगर किसी स्त्री को कछुआ दिखाई देता है तो उसे क्या करना चाहिए, चोर लुटेरों से अपने धन की और स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। अगर यात्री को कछुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब यह कि घर लौटने के पहले उसे दूर स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ेगा। अगर सपने में आपको ऐसा दिखाई था कि कछुए को आपने हाथ में ले लिया, तो समझ जाओ आपको मूर्ख मित्र मिलने वाले हैं। अगर सपने में आपको तैरता हुआ कछुआ दिखाई दे रहा है, तैरता हुआ स्विमिंग करता हुआ कछुआ दिखाई दे रहा है, तो समझ जाओ अब आपके कष्टों के निवारण का समय आ गया। तो स्वप्न ज्योतिषी के हिसाब से मैंने आपको इस सपनों के विश्लेषण का एक वीडियो बना कर दिया। वीडियो मेरे छोटे छोटे ही रहते हैं, ऐसे बहुत सारे सपनों के वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आप उसे देखते रहना, हो सकता है आपको इससे बड़ा सहारा मिले, बड़ी राहत मिले। तो देखते रहिए, मेरे वीडियो छोटे छोटे ही रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं।